Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग पहले टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज वर्क, ठीक है, वर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर वर्क के बाद हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, ठीक है। फोर्स में बल होता है, ठीक है, मतलब कि ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, मतलब इस चीज़ को पुश करना मतलब क्या होता है, ढकेलना, और फिर पुल मतलब होता है खींचना, तो ये हमारा बल होता है, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक आज का? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखिए क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे आज। कि यू नो दैट, आप जानते हो कि इफ यू ट्राई टू फ्लाई लाइक अ सुपरमैन आप लोगों ने देखा है कैसे वो सू कैसे करके उड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप सुपरमैन की तरह उड़ोगे तो क्या होगा, यू विल कम क्रैशिंग डाउन, क्या हो जाएगा, आप लोग गिर जाओगे। कहाँ गिर जाओगे? जमीन पर गिर जाओगे। इफ यू थ्रो अ पेपर प्लेन अप हाई, आप लोग जहाज बनाते हो कागज का जेट प्लेन बनाते हो, उसको फिर क्या करते हो आप लोग ऐसे उड़ा के फेंकते हो, तो वो कहाँ की गिर जाती है? फिर नीचे जमीन पे आके गिर जाती है। इट विल कम डाउन। इफ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, हॉकी खेलते हो, और क्या टेनिस खेलते हो, काफ़ी चीज़ें आप लोग खेलते होगे, ठीक है। तो वो देखिए जो उसकी बॉल होती है, चाहे क्रिकेट बॉल हो, टेनिस बॉल हो, बैडमिंटन हो, या फिर फुटबॉल हो, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए बॉल आपने लिया हाथ में ऊपर फेंका, तो ऊपर के बाद फिर क्या होगा, वो सीधा नीचे आएगी, कहाँ आएगी, जमीन पे आएगी। इसी तरीके से देखिए फुटबॉल में भी होता है, कभी कभी किक किया जाता है तो ऊपर जाके फिर वो नीचे आके गिरती है। देखा है आप लोगों ने, मैं टीवी में भी देखा है, खेल जो लोग खेलते होंगे फुटबॉल क्रिकेट ये सब, वो तो वो लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं, वो बॉल नीचे आके ही जमीन पे गिरती है। तो देखिए व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, आप मतलब कि यह ऐसे क्यों होता है, तो ऐसा आप लोग क्या सोचते हो कि ये क्यों हुआ है, वो जमीन पे ही आके, वो नीचे आके ही क्यों गिरी, ठीक है। आज हम लोग इसको समझेंगे कि क्यों नीचे आके ही जमीन पे आके ही गिरती है। देखिए दिस इज बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अर्थ, ये क्यों है, किसके कारण है, फोर्स ऑफ अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जान रहे हैं आप लोग, अर्थ जान रहे हैं, इसके किसके कारण है, फोर्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के बल के कारण है। दैट कीप्स क्या करती है, पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, क्या करती है अपने खींचती है एवरीथिंग, मतलब कि एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, ठीक है, इस संसार की प्रत्येक चीज जो है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, मतलब कि सारी चीजें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो दिस फोर्स दैट, ये जो बल है, दैट पुल्स एवरीथिंग, जो चीजें खींच रही है सारी चीजों को, प्रत्येक चीजों को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कि द फोर्स दैट पुल्स, खींचती है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग देखिए ये क्या है, एक एप्पल ट्री है, क्या है ये बच्चों, एप्पल ट्री है। आप लोग बहुत से पेड़ देखोगे, एप्पल ट्री देखोगे, मैंगो ट्री देखे हैं आप लोग, और जो अनार का होता है, ठीक है, उसका पेड़ देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे फल वाले वृक्ष आप लोग देखे होंगे, फल वाले पेड़ आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप कुछ उस फल के वृक्ष के नीचे जाइए तो क्या होता है, कुछ फल क्या होते हैं, जमीन पर देखिए गिरे पड़े आपको मिलेंगे, आपको नीचे पड़े मिलेंगे, क्यों, वो नीचे कहाँ से आ गए भाई, वो तो पेड़ पे टंगे हैं, लेकिन वो पेड़ जमीन पे वो कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, तो कैसे आ गए,
कैसे आ गए, किसके किसके थ्रू आ गए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आए। क्या क्या ग्रेविटेशन, जो पृथ्वी है, ये देखिए जो पृथ्वी है हमारी, इसके हाँ इस पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ही भाई पेड़ है, तो ये क्या हुआ, इसको क्या किया, खींचा है टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ मतलब कि अपने केंद्र की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश किया है। इसलिए जो 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 फल होते हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं अपनी डाल से, वो गिर जाते हैं, वो पृथ्वी की मतलब ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है कि द फोर्स एक ऐसा बल है दैट पुल्स ऑब्जेक्ट, वस्तु को खींचता है, अपनी तरफ खींचता है टुवर्ड्स द अर्थ, पृथ्वी को, पृथ्वी जो है पृथ्वी की तरफ जो खींची जाती है उसको, वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब चलिए, इफ देयर वर नो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता, तो वी वुड ऑल बी फ्लाइंग अराउंड, हम क्या, हम लोग क्या हो रहे होते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ उड़ रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर रहे हो, हम लोग उड़ रहे होते हैं, जैसे आप लोग स्पेस में चले जाएंगे, जब आप लोग स्पेस में चले जाएंगे जब, तो आप लोग वहाँ उड़ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग दूसरे ग्रह पर भी जाएंगे तो इसी तरीके से आप लोग का वहाँ ग्रेविटी क्या होगी, बहुत कम होती है ग्रेविटी। ठीक है, अब चलिए, अब एक फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए फ्रिक्शन से क्या मतलब होता है, फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण, क्या होता है घर्षण, फ्रिक्शन की हिंदी क्या है, घर्षण, तो फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स घर्षण वाला बल। ठीक है, Have you ever slipped on the wet surface? आप लोग गील, कभी मान लीजिए जमीन पे पानी गिरा है या ऑयल गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है, तो क्या होता है, कभी कभी आप लोग स्लिप कर जाते हो, हुँ? और when you step on a banana peel, ठीक है, मतलब कि या फिर कहीं अगर बनाना पील, बनाना का छिलका कहीं जमीन पे पड़ा होता, अगर आपका पाँव पड़ जाता उसके ऊपर, तो क्या होता आप लोग स्लिप कर जाते हो तरह, हुँ? Imagine If we were constantly slipping off chairs and beds and stairs, life wouldn't be fun? क्या मतलब कि जो जिंदगी है हमारी, life wouldn't be fun? Would it be? क्या ये मतलब कि क्या ये एक मजाक है? तो अगर फ्रिक्शन मान लीजिए, हम फ्रिक्शन नहीं होता, there will be no friction, तो क्या होता है, सारी वस्तु क्या होती, स्लिप करती हैं, स्लिप करते हुए चलती है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि थैंक्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को धन्यवाद दिया जाता है इसीलिए। ठीक है, कि दिस डज नॉट हैपन। तो देखिए, अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन की डिफिनेशन पे आते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। देखिए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, एक बल है, दैट एक्ट्स, जो क्या एक्ट्स मीन्स उस पर एक्ट मीन को तक करना। ठीक है, दैट एक्ट्स अपोजिट, हाँ जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा टू द मोशन, उसके मोशन के उल्टा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट वो फोर्स क्या हो रहा है, वो उसके लगा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन जो होता है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके जो स्पीड है, जो भी उसकी चाल है, उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा, धीमा करेगा। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सर्फेसेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जैसे देखिए इस फिगर में देखिए कि फ्रिक्शन की बच्चा है, क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, आप लोग भी साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन साइकिल टायर्स एंड सर्फेस। ठीक है, हम जब क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो बड़े स्मूथली हम लोग पैडल मारते हुए स्मूथली और टायर गोल गोल घूमते हुए अपना चलती रहती है, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, हमको जब कभी रुकना होता है तो हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब कभी हमारी साइकिल बहुत स्पीड में होती है, स्पीड में रहती है, हम ब्रेक अचानक से मारते हैं तो क्या होता है, हमारी साइकिल थोड़ी स्लिप कर जाती है। कि क्यों स्लिप कर गए, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, जो ग्रह घर्षण हुआ, वो क्या हुआ, बहुत ऑटोमेटिक, बहुत तेजी से लगा। ठीक है, इस वजह से वो क्या, वो स्लिप कर गया।
अब देखिए, व्हेन यू वांट टू स्टॉप योर बाइसाइकिल यू प्रेस ब्रेक्स एंड योर बाइसाइकिल स्लोज डाउन. जब ब्रेक मारेंगे तो हमारी साइकिल ऑटोमेटिक वहां स्लो के रुक जाएगी. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ये किसके कारण हुआ? फ्रिक्शन के कारण हुआ, घर्षण के कारण हुआ बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील. व्हील और ब्रेक्स के, आप लोग ब्रेक देखें साइकिल का, कभी अपने साइकिल में ब्रेक देखिएगा कि ब्रेक जो टायर से देखिए क्या होता है, उसके जो स्टील बॉडी होती है उससे सटा होता है. जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, उस पर जाके ऐसे सड़ जाता है और वो क्या करता है, फ्रिक्शनलेस हो जाता है. ठीक है, अब देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस वॉक. लकी फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट, हमारा जो पैर है, फीट में लकी जो तालू है, क्या कहते हैं, एंड द ग्राउंड हेल्प अस वॉक. ये किसमें? वॉक करने में, चलने में मदद करता है. ठीक है, आप लोग कभी चलने में देखिएगा तो एक पैर हमारा हमेशा उठेगा और एक पैर जमीन पे, फिर एक पैर उठेगा, फिर एक पैर जमीन पे, हाँ, लगातार लकी ताल कदम करते हुए. ठीक है, वी कैन नॉट वॉक ऑन आइस, तब बल्कि हम आइस पर नहीं चल पाते हैं. ठीक है, भले नॉर्मल जमीन पे हम चल लेंगे लेकिन आइस पे हम नहीं चल पाएंगे. बिकॉज क्यों? क्योंकि इट इज वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी. कैसा होता है? बहुत ही स्मूथ होता है और बहुत ही स्लिपरी होता है. ऑफरिंग वेरी लिटिल फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल बहुत ही कम होता है. बर्फ में आप लोग देखे होंगे, बर्फ के जो, बर्फ पे जो लोग चलते हैं वो अपना क्या कहते हैं, अपना एक इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वेपन. ठीक है, उसी के थ्रू ही वो चलते हैं. और फिर देखिए वहाँ पे एक रॉड होता है, उससे कील लगी होती है, उसमें ऐसे के बर्फ में धसा धसा के ही आगे बढ़ते हैं ये लोग. ठीक है, वरना नहीं तो हमारा पैर स्लिप करता रहेगा. ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को. ठीक है, तो आज हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की बात की है. ठीक है, लेट्स ट्राई वन में आपका कंटेंट में आपको सेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको कहाँ कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे पूछिएगा. ओके, थैंक यू क्लास.